नोटबंदी के बाद कैश रखने वालों की जान आफत में आ गई है। ज्यादा कैश रखने वालों को आयकर का डर सताने लगा है, तो कम कैश रखने वाले बैंकों के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंकों के बाहर लगी लाइनों से नेता उद्योगपति नदारद है। लेकिन 31 मार्च 2016 तक सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के पास बड़ी संख्या में नकदी है। मंत्रियों के लिए आचार संहिता में कहा गया है कि वो हर साल प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा फाइल करें। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के 76 मंत्रियों में से केवल 40 ने अपनी नकद राशि की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कैश रखने के मामले में सभी मंत्रियों में शीर्ष पर है। घोषणा के मुताबिक उनके पास 65 लाख रुपए कैश था। दूसरे नंबर पर श्रीपद नाइक है, इनके पास 22 लाख कैश था। हंसराज अहिर के पास 10 लाख की नकदी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि उनके पास 89,700 रुपए नकद है। 23 मंत्रियों के पास 2 लाख रुपए से कम कैश था, जबकि 15 के पास 2.5 लाख से ज्यादा कैश था। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पीएमओ के साथ अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी। मंत्रियों के पास के कैश का क्या हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी मंत्री फिलहाल बैंकों की लाइन में रुपए जमा करते या बदलते नहीं दिखाई दिया। किसके खाते में कितना कैश जमा हुआ है, इसकी जानकारी 1 जनवरी के बाद मिल सकती है, जब बीजेपी के सभी सांसद और विधायक अपने खातों की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष को मुहैया कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।